नमस्कार। आज के कलयुग के देवता हमारे गूगल भगवान है। कोई भी चीज हम किसी भी आदमी को पूछ रहे थे कि गूगल में चेक करके देख लो, गूगल में पूछ लो, गूगल से चेक करके हम आपको रिप्लाई करेंगे, गूगल में उसकी इन्फॉर्मेशंस दी गई है। तो सब कुछ गूगल से नहीं होता है, ये मेरा मानना है। और शायद ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि सब कुछ गूगल में नहीं होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किस रिलेटेड है, ये वीडियो, ये पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड है कि आप जो भी आपका सिबिल स्कोर का काम है या सिबिल रिपोर्ट का काम है, वो आप गूगल में चेक करके नहीं कर सकते हो। हमारे काफ़ी सारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, वो बोलते हैं कि आप सिबिल को एक मेल कर दो, आप अपने आप ठीक हो जाएगा। आप बैंक में जाके पेमेंट कर दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, बैंक को जाके RBI में कंप्लेन कर दीजिए बैंक के अगेंस्ट में, तो आपका सिबिल रिपोर्ट ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा कहना है, जो भी हमारे प्रोफेशनल्स फ्रेंड्स हैं या जो भी ये ज्ञान बांट रहे हैं, उनको मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जिस चीज़ का हमारे पास नॉलेज कम हो या नहीं हो, उसकी एडवाइस नहीं करनी चाहिए हमें। जैसे आप अगर शायद मुझे ऐसे पूछो कि भाई इनकम टैक्स की अगर रेड होती है तो क्या करना है, तो मैं ऑनेस्टली बता दूंगा कि भाई मैंने कभी रेड केस हैंडल नहीं किए, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये तो ऐसी बात हो गई कि गूगल के अंदर ये लिखा है कि भाई पाँव टूटता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें मेडिकल स्टोर पे जाके उसकी दवाई पट्टियाँ ला के घर पे ऑपरेशन करना चाहिए। तो ये ऐसी बात है कि तो हर मेडिकल स्टोर वाला खुद डॉक्टर हो जाता ना, उसके पास तो दुनिया भर की कैंसर की टैबलेट है, सब कुछ है उसके पास, कोरोना की दवाई है, फिर भी हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। तो हमारे प्रोफेशनल फ्रेंड्स और काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल्स में भी मैं देख रहा हूँ कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई गूगल में चेक कर लो, यहाँ पे एक मेल कर लो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बीइंग, हम एक सभ्य समाज के सब लोग हम एक सभ्य समाज में जी रहे हैं, और आपको एक लेवल पे पता नहीं है कि एक आदमी जिसको आप एडवाइस कर रहे हो वो आपकी एडवाइस पे कितना रिलाई हो जाता है। इवन तो मैं ब्रांच मैनेजर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि कृपया अगर आपसे कोई केस हैंडल नहीं हो रहा है, कोई कस्टमर्स की आप लोन रिजेक्ट कर रहे हो ड्यू टू द एनी क्रेडिट ब्यूरो, तो सिर्फ आप उनको सही गाइडेंस दीजिए या हमारा नंबर दीजिए। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हैं कस्टमर को एडवाइजिंग का, उसको करवाना नहीं करवाना वो उसके बाद की बात है। बट अभी मार्केट में ऐसा चल रहा है कि भाई आपको कुछ भी प्रॉब्लम से गूगल में देख लो, ये काम हो जाएगा, ये काम नहीं हो जाएगा। मैं सिंपल आपको थोड़ी दो तीन चीज़ बताता हूँ। अभी सिविल के अंदर कोई प्रॉब्लम आया था, ए शाह करके नाम आ रहा था। अभी ए शाह है क्या, आप खुद भी गूगल में चेक कर लीजिए ए शाह क्या है। अभी जो भी फाइनेंशियल लाइन से जुड़ा हुआ है उनको शायद थोड़ा थोड़ा पता होगा कि ये कोई एसेट रिकवरी कंपनी है, बट कस्टमर तो वहाँ से स्टार्ट कर देता है कि भाई ये ऐसा करके मैंने कोई लोन ही नहीं लिया, और वो अपने हिसाब से बराबर है, वो कपड़े का व्यापारी है, उसको नहीं पता है। उसने तो वहाँ तक कर दिया है कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दी कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है, कोई ए शाह वालों ने मेरे नाम से लोन ले लिया है और अभी मेरे सिबिल में देख रहा है। अभी समझो बात कहाँ से कहाँ जा रही है। उनके कोई रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स ने उनको ऐसा दिया है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, और उनका कोई दोस्त रिश्तेदार या कुछ होगा, वो पुलिस स्टेशन में जॉब करता होगा, पुलिस वाले ने भी कंप्लेन लिख दी, और ये कुल मिला के इतना सारा झमेला हो गया और हुआ कुछ भी नहीं। 6-8 महीने 1 साल लग गए, थक गए आदमी, कहीं कहीं से उसको रेफरेंसेस मिले हमारे, फिर आया तब पता चला कि भाई ये तो कोई असेट रिकवरी कंपनी और कोई बैंक का पोर्टफोलियो परचेस किया है, और सिंपली द मैटर इज ओनली 12,000 रुपीज़। 12,000 के पीछे उसने 2 लाख रुपए का एक्सपेंस कर दिया, 1 साल बिगाड़ दिया, और वो मैटर इतनी छोटी थी कि वो वहाँ पे पेमेंट कर दिया, उन लोगों ने नो ड्यू सर्टिफिकेट देके सिबिल में अपडेट कर दिया। बैंक की कोई गलती नहीं है, ऐसा की गलती है हम जैसे प्रोफेशनल्स की, जिनको ये लोन मीन्स के जो ये क्रेडिट ब्यूरोज के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होने की वजह से कुछ भी ऊट पटांग एडवाइजेस देते रहते हैं, या कोई भी हमारे जैसे प्रोफेशनल्स, मैं इसलिए हमारे जैसे ही बोल रहा हूँ कि मैं भी यहाँ का ही हिस्सा हूँ, आप लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ, बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग करें, अगर जो सब्जेक्ट में हमारा एक्सपर्टाइज नहीं है उसको नहीं छेड़ना चाहिए। हमारे लिए एक सिर्फ महजी एक केस है, या हमारे लिए 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये का कोई मैटर है, बट एक आदमी के लिए उसकी पूरी ज़िंदगी है ये।
मैं आपको समझाता हूँ ये भी कैसे, जो मैं भाई साहब की बात कर रहा हूँ उनको उनकी बेटी का आगे जाके मैरिज करना था, उनके रिलेटेड लोन लेनी थी और पूरी जो मैटर है 1-1.5 साल ये सिर्फ ये एडवाइजिंग की वजह से वो रुक गई कि वो लोन नहीं ले पाए। और अभी भी कुछ सभ्य समाज में ऐसा चल रहा है, लेन देन खर्चा वानी वो सब चलता है, तो उसी के लिए वो भैया को लोन चाहिए और किसी ने उनको एडवाइस दे दी कि भाई ऐसा किसी ने धोखाधड़ी की है, वो पुलिस स्टेशन चला गया, वकील के पीछे गया और कुल मिला के 1-1.5 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए, 2 लाख रुपये का खर्चा किया और 12,000 रुपये बैंक में भरने से मैटर ख़त्म हो गया। बट उसके जो 1-1.5 साल चले गए उसका क्या? तो मैं आप सबको इस वीडियो से एक ही गुजारिश करूँगा कि हमारे पास जो भी नॉलेज हो या एक्सपर्ट नॉलेज हो या उस रिलेटेड हमें डिटेल में नॉलेज हो तो ही हम कस्टमर्स को, हमें उनकी आगे की जो भी गाइडलाइन है या हमें उनको एडवाइजिंग करनी है तो करनी चाहिए, वरना हमारे वर्ड्स की इतनी वैल्यू है मार्केट के अंदर जो प्रोफेशनल्स है कि वो ऐसा ही समझते हैं कि इन्होंने बताया तो वो ठीक ही है और हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और कुछ कुछ तो हमारे पास ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर किसी ने मुझे बोला कि इसके ऊपर आप डिस्प्यूट रेज कर दीजिए और अपने आप निकल जाएगा। कोई ऐसी कमेंट्स आ रही है कि 7 साल के बाद सिविल अपने आप सब कुछ निकाल देता है। आपने कभी भी ऐसा देखा है कि अपने आप कुछ निकल जाता है या कोई एक मेल करने से हो जाता है? मैंने मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोला हुआ है कि जो क्रेडिट ब्यूरोज़ है वो सिर्फ एक डेटा बैंक है, वो खुद भी लिखते हैं कि हमारे पास एडिट डिलीट या ऑल्टरेशन के कोई भी पावर्स नहीं है, वो खुद भी लिखते हैं बट हम कुछ समझते ही नहीं है उनके बारे में। एक ही चीज़ रटी रटे यहाँ पे मेल कर दो, यहाँ पे डिस्प्यूट कर दो, वो साफ शब्दों में लिखते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कॉन्टेक्ट कीजिए, वो हमारे सिस्टम के अंदर डेटा डालेंगे जो उसकी प्रोसीजर है और वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो खुद भी लिख रहे हैं बट फिर भी हम एक ही चीज़ कर रहे थे कि डिस्प्यूट कर दो। तो ऐसा मत कीजिए। ये मेरा वीडियो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर है कि कभी भी हमें कोई कस्टमर का अगर क्रेडिट ब्यूरो के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम है या हम श्योर नहीं है तो उनको प्लीज़ आप कोई एडवाइजिंग या गाइड मत कीजिए। काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे कि मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में नाम के साथ भी मैं दे सकता हूँ, वो पर्सन के नाम के साथ मोबाइल नंबर के साथ भी मैं अभी दे सकता हूँ बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि पब्लिक प्लेटफॉर्म है और मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मुझे किसी की बुराई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ उन सभी लोगों से एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नॉलेज है तो आप बांटिए, ज्ञान है और ये सब काम के अंदर आप और हम सब साथ मिल के काम करेंगे। बट विदाउट एनी नॉलेज या कुछ भी बोल देने से ऐसा मत कीजिए, हमारे वर्ड्स की कुछ वैल्यू है, हमारी मार्केट में रेपुटेशन है, आपकी भी है, तो कृपया आप इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए और हम इंडिया को, लोगों को क्रेडिट हेल्दी बनाएंगे और हमारी इकोनॉमी को आगे ले जाने के हम साथ में मिलजुल कर प्रयास करेंगे। आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो आप शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।